Hi, this is Vishal Kotian and subscribe to Siddharth Karan's YouTube channel now. Sharpest jawline in the Big Boss house. और आप घर के बाहर आए हैं, ये jawline अवेलेबल है टमाटर काटने के लिए. कैसा है मेरे विशाल कोटियन भाई? फर्स्ट क्लास jawline तो है, लेकिन अभी टमाटर ही नहीं है भाई. क्यों? बिग बॉस के घर में जो लोग थे वो तुम्हारे टमाटर थे क्या भाई? हाँ, वो सब टमाटर थे. उनको काट काट के एकदम छोटा छोटा पीस बना रहा था, लेकिन अभी क्या है कि अभी कटर बाहर आ गया तो टमाटर एकदम घूम रहे ले. अरे मेरे भाई यार, मुझे जेन्यूनली बोलो कि मुद्दे की बात, डंके की चोट, क्या शमिता शेट्टी को बहन बनाना एक गलत मूव था तुम्हारे लिए? मैंने गेम के बारे में सोच के उसे बहन नहीं बनाया है. तो अपन जैसा है वैसे ही चाहे. गेम के बारे में सोचकर उसे बहन बनाता तो शायद गेम खेल जाता, लेकिन दिल से रिश्ता था. रिश्तों का शो है तो अंदर रिश्ते बन जाते हैं, क्योंकि आप बहुत अकेले फील करते हो अंदर बहुत टाइम पर. मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहा और अंदर भी बहन, बाहर भी बहन, बहन बहन होती है भाई, गेम गेम होता है. क्या बात है, बिल्कुल सही कहा भाई. गौहर खान ने घर के बाहर कहा था कि तुम मैनिपुलेटिव थे, और उन्होंने ट्वीट भी किया इसके बारे में, ये कहते हुए कि तुमने शमिता शेट्टी का इस्तेमाल किया. पहली बात उनकी बिल्कुल सही है कि मैं मैनिपुलेटिव हूँ. मैं घर के अंदर कंचे खेलने के लिए नहीं गया था गौर. आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर आंखों पर शमिता शेट्टी के साथ अगर गेम खेलना होता तो मैं उसे भाई बहन बनाता. प्रॉब्लम यह है कि शमिता शेट्टी ने मुझे भाई बनाया. अब ये तो मैं अंतर्यामी की तरह सोच रहा हूँ कि मैं अंदर जाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि शमिता शेट्टी मुझे भाई बनाए. भाई इतना दिमाग नहीं है मेरे बारे में. शमिता शेट्टी बहुत खफा थी तुम्हारे साथ, उन्होंने तुमको स्लैम भी किया ये कहते हुए कि तुमने ये कमेंट कहा यार राकेश बापट ने बहुत बड़ा हाथ मारा है विद शमिता शेट्टी. क्या वो स्टेटमेंट तुम रिग्रेट करते हो कहते हुए भाई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक रोस्ट था. वो मैं एक एक्ट कर रहा था, सत्ते पे सत्ता का सीन कर रहा था, सात भाइयों वाला. तो उसमें मुझे पता नहीं कि जब राकेश का मतलब, उसमें मैंने सिम्बा के बारे में भी कहा, उमर के बारे में भी कहा, निशांत के बारे में भी कहा, करण कुंद्रा के बारे में भी कहा, और फिर एंड में राकेश के बारे में कहा. सिद्धार्थ, अगर जोक को जोक की तरह ना लेना वो प्रॉब्लम है. अगर जोक को जोक की तरह ना ले तो प्रियंका चोपड़ा ने अभी जोनस ब्रदर्स पे रोस्ट किया है, उसका बवाल हो जाता. कपिल शर्मा मुझे लगता है जेल में होता अगर जिस तरह से वो रोस्ट करता है लोगों को. और रोज सभी करते हैं, इट्स टू बी टेकन इन फन. ठीक है भाई, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, तुमने क्लैरिफाई कर दिया है. अब जो देखने वाला है, सुनने वाला है, वो उसका नजरिया है, वो एक्सेप्ट करे या ना करे, बट आई गेट व्हाट यू आर सेइंग. तुमने तेजस्वी को भी कहा माल वाला शब्द, और तेजस्वी भी उससे नाराज हो गई थी कि हमें विशाल कोटियन माल कैसे कह सकता है. यार सिद्धार्थ, यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना कि इनमें किसी के पास दिमाग नहीं है, और ये सब मेरे से डरते थे कि इनको लगता था साला ये माइंड गेम खेलेगा, क्योंकि माइंड गेम खेलने के लिए माइंड होना बहुत जरूरी है. तो ये इन सब की फटती थी कि साला ये दिमाग से खेलता है, दिमाग से खेलता है. बहुत फनी है. इससे पहले मनीष पॉल घर में आए थे और मनीष पॉल ने एक पिक्चर दिखाया था जहां पर मैं, तेजा और जय एक साथ बैठे थे, और मनीष पॉल ने मुझसे पूछा था कि बता इस वक्त जय क्या सोच रहा है. मैंने बोला सर जय क्या सोच रहा है ये नहीं पता, मैं बता सकता हूँ आपको मैं क्या सोच रहा हूँ. मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इतनी माल लड़की बाजू में बैठी है और जय किधर और देख रहा है. इस पर सब लोग हंसे थे, ये सेकंड वीक में था, सब लोग हंसे थे. तेजा भी जोर जोर से हंसी थी. अगर माल वर्ड से प्रॉब्लम है तो तब क्यों नहीं पिक किया? वो क्या होता है ना कि इनको पता चला कि साला आठ वीक में ये बहुत स्ट्रांग है, अब इसके इसके इरादे को छोड़ दो, इसके वर्ड्स पकड़ना शुरू करो, वर्ड्स पकड़ना शुरू करो. अपन की भाषा ऐसी ही है बॉस. इरादा बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अपनी जिंदगी में. अगर शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट होते तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त पे मैं कभी नहीं नाचता. हाँ लड़की को चीज बोला, हाँ मस्त बोला, हम तो दारू पी के कड़क नाचते ना बाप उस गाने पे, तब क्यों नहीं कोई सोचता. तो क्या है कि अगर मुद्दा बनाना हो तो किसी बात पे बनाया जाए, और दिमाग ना हो तो फिर बात से छोड़कर शब्दों को पकड़कर मुद्दा बनाया जाए. ये इस घर की रीत है, अपने को फर्क नहीं पड़ता. भाई तेजस्वी का एक और कमेंट था जो कह रही थी कि वो आपके झप्पियों से, आपके हग्स से अनकंफर्टेबल हो गई थी. यार फिर तो संजू बाबा को शायद मुन्ना भाई एमबीबीएस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जादू की झप्पी देते रहते हो लोगों को. जोक्स अपार्ट, ये उन्होंने बहुत इनिशियल स्टेज पर कहा था, और आई रिस्पेक्ट हर कमेंट. और अगर उनको ये प्रॉब्लम थी तो मुझसे आकर बोलती, मैं सामने से क्लैरिफाई कर देता. अब पीछे से की बात का मैं क्या जवाब दूं? वो मेरे पीछे बोलते हैं इसलिए शायद मेरे पीछे थे.
मुझे नहीं फर्क पड़ रहा इन सब बातों से। जय भानुशाली के साथ आपका ऑलमोस्ट एक बहुत वायलेंट फाइट होने वाला था, वायलेंस की ओर दोनों चले गए थे। आपने जय को एक घटिया पर्सन तक कहा था। वेयर अकॉर्डिंग टू यू आपको लगता है जय गलत गया? थोड़ा उल्टा है, मैं जय को कभी घटिया कभी बुरा कभी कुछ नहीं कहता था। जय मुझे ये बोलता था, तू दोगला है, तू घटला है, घटिया है, तू पॉटी है, तेरे तू तू टपोरी है, तू मुंबई के स्ट्रीट से आता है, तेरे को बात करने की औकात नहीं है। मगर मैं दिल में सोचता था, जय हाउ एजुकेटेड आर यू ब्रदर, इफ आई टेल यू दैट आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम एन एमबीए इन फाइनेंस एंड यू विल शिट ब्रिक्स हियर। तो लेकिन मैं आई डोंट बिलीव इन हिटिंग एनीबॉडी बिलो द बेल्ट, और मैं उसे नहीं बोलता था, और मैं उसे ये बोलता था कि भाई अगर मैं सड़क से आया हूँ तो क्या है, सड़क का आदमी यहाँ तक पहुंचा है उसमें बहुत बड़ी बात है। और जय फालतू मुद्दे उठाकर मुझसे लड़ने की कोशिश करता था। जय के लिए एक लाइन बहुत सही है कि ही वॉज द राइट मैन इन द रॉन्ग प्लेस, इंसान बहुत अच्छा है लेकिन गलत जगह फंस गया है वो। उसको मुझे 6 दिखता था, उसे 9 दिखता था, आई वॉज ओके विद इट, अपनी अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन वो चाहता था कि मैं भी 9 देखूं। नाउ दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज, कि मैं वो क्यों देखूं जो तू देखता है। माईशा, ईशान, करण, तेजस्वी रियल कपल्स है कि नहीं? मायशा ईशान बहुत रियल थे अंदर भी। प्रॉब्लम ये था कि बहुत साला फास्ट भाग रहे थे यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था कि 3 दिन में प्यार, 4 दिन में प्रपोज, 5। मैं ईशान को बहुत साइड में लेके बोला करता था, मैं देख भाई आई नो यू आर रियल, मायशा ऑल्सो इज रियल, पर ये इतनी तेजी से मत भागो, तुम गेम में हो। ईशान ने मुझे एक बार आके पूछा था कि भाई मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना, मैंने बोला भाई मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ तेरे को, 2 चीजें हैं यहाँ, एक जो तू घर के अंदर कर सकता है और घर के बाहर भी कर सकता है, और दूसरा चीज जो सिर्फ घर के अंदर कर सकता है, इस वक्त वही कर जो सिर्फ घर के अंदर कर सकता है। शायद वो ये बात नहीं समझ पाया, क्योंकि प्यार तो घर के बाहर भी कर सकता था मायशा के साथ ना, घर के अंदर दोनों अगर गेम में ज्यादा ध्यान देते तो और आगे जाते। जहां तक बात तेजरन की रही है, उनमें अभी प्यार, मतलब कम ऑन यार सिड, हमारे एज पे प्यार इतनी जल्दी नहीं होता, हम कॉलेज में नहीं है। हाँ, बट दे जेन्युइनली लाइक ईच अदर, दोनों के बीच में सॉलिड कनेक्शन है। वो भी वही गलती कर रहे हैं जो मायशा और ईशान ने की थी, वो भी प्यार की वजह से अपना गेम वीक कर रहे हैं। अगर मैं वापस अंदर गया तो उनको यही सलाह दूंगा कि प्यार को गेम के लिए बदनाम मत करो, ये मत बोलो कि प्यार की वजह से गेम वीक हो रहा है। 13वें सीजन में एक आदमी था आपके ही नाम का सिद्धार्थ, जो जिसने प्यार भी किया, जिसने गेम भी खेला शिद्दत से, और दोनों को भी बदनाम नहीं किया। तो प्यार भी करो, गेम भी खेलो, और शिद्दत से करोगे तो दोनों में सक्सेसफुल होगी। ये प्रॉब्लम है आजकल तेज रन का। क्या खूब कहा भाई, प्रतीक और निशान की दोस्ती, दोनों की दोस्ती सच्ची है। मुझे दोनों पसंद नहीं है, I dislike both of them, क्योंकि उनका गेम, उनकी नीतियां, जो पीछे से बात करते हैं, जो छुप छुप के बात करते हैं, दोनों में हिम्मत है नहीं, दोनों फुद्दू हैं, लेकिन दोस्ती सच्ची है। जस्ट बिकॉज आई डोंट लाइक देम, मैं उनके बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में गलत नहीं बोलूंगा। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। दोस्ती 100% सही है, गेम 100% फुद्दू है। तुमने नेटिसंस के अनुसार, जो लोग ऑनलाइन हैं, उनको लगता है कि तुमने हीना खान को डिसरेस्पेक्ट किया। अरे यार, वो हीना खान के को डिसरेस्पेक्ट नहीं था यार सिद्ध, मैं वेयर आई कम फ्रॉम ना, मैं बहुत ही मुंबई की गलियों से आता हूँ। बचपन में मेरे पास खाने के, मेरे घर पे खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, मैं होटल में पड़का मारता था और पूरा एक टाइम का खाना बहुत ज्यादा खा लेता था, ताकि रात को खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, पेट भरा रहे। तो आई कम फ्रॉम दैट, एक बहुत बड़ा मुंबई का पॉपुलेशन है हु स्टिल डज दैट। और जब भी मैं अपने शो में भी बोलता था कि मुंबई के स्ट्रीट से हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो सिंपथी लेने के लिए नहीं बोलता था, बिकॉज इन द सेम ब्रेथ आई यूज्ड टू टेल पीपल दैट अब मेरे पास मर्सिडीज है, मैंने घर खरीद लिया है। मतलब या तो मैं होशियार हूँ या बेवकूफ हूँ। होशियार आदमी सिंपथी लेने के लिए ये बोलेगा कि मैं गरीब हूँ, और फिर ये नहीं बोलेगा ना कि मेरे पास मर्सिडीज है, इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मैं ये दर्शाना चाहता था कि मैंने अपनी मेहनत से, मैं मुंबई की गलियों से आज जहाँ पहुंचा हूँ, वहां पर अगर मुंबई का कोई बच्चा, कोई गली का बच्चा जो मेरी तरह था, वो अगर ये देख ले और सोच ले कि पढ़ लिख कर ये आदमी यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है, तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। अगर वो किसी बच्चे ने देख लिया और वो पढ़ाई लिखाई कर ली, तो बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं चाहिए बॉस, मेरे लिए वही ट्रॉफी है। बात है हिना खान की, जब हिना खान आई थी, उन्होंने मुझे एक टास्क दिया था जहां पर मैंने लिनन कपड़े पहने थे। सिद्धार्थ क्या है, मेरा माइंडसेट अभी भी वही है, मैं फर्स्ट कॉपी पहनता हूँ, मैं कभी मुझे ऐसा लगे, मैं कपड़ों पर और चीजों पर इतना खर्चा नहीं करता। मैं वो पैसा मैं किसी गरीब को दे दूंगा, किसी को खाने में मदद कर दूंगा। कोविड के टाइम पर मैंने बहुत लोगों की मदद की है, तो आई नो द वैल्यू ऑफ मनी।
उस दिन क्या हुआ था, मैंने एक लिनन सूट पहना था जो मेरा नहीं था, मेरे एक फ्रेंड का था, उसने मुझे बोला था ये तेरे पे बहुत अच्छा दिखता तू पहनना। अब वो टास्क में वो गंदा हो गया और टास्क के बीच में मैं जाकर वो धोने लग गया, वो व्हाइट कलर का लिनन सूट मैं धो रहा था और उतने में उमर मुझे बुला और बोला कि भारा जा हिना बुला रही है। और मैं उसी फ्रस्ट्रेशन में बाहर आया और हिना से कहने लगा कि यार मेरा सूट तुमने गंदा करवा दिया, दिस इज नॉट फेयर, तुम कुछ और कपड़े पहनकर। सो इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल गाय कंप्लेनिंग अबाउट हिज क्लोथ्स। इससे एक अच्छी बात भी हुई। अब देखिए आप हर टास्क में ना बिग बॉस खुद अंदर से कपड़े भेजते हैं ब्लैक एंड ब्लैक, उसके नेक्स्ट वीक ही वो शुरू हो गया था बिकॉज दे ऑल्सो रियलाइज कि इनके अच्छे कपड़े गंदे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर टास्क, तो वो मुझे कपड़े भेजना उन्होंने शुरू कर दिया। आई एम सॉरी अगर हिना खान को ये डिसरिस्पेक्टफुल लगा, डिसरिस्पेक्टफुल बिल्कुल नहीं था, एक दिल से एक फ्रॉम दी यू नो एक आवाज थी एक आदमी की जो अपने चीजों की बहुत वैल्यू करता है, जिसे चीजों की बहुत कदर है। अगर एक इंसान और डंके की चोट सवाल मुझे भाई दिल से बोलना, एक इंसान जिसके साथ तुम कहते हो जिंदगी भर मैं इनसे मिलना नहीं चाहता, घर के बाहर भी आए रोड पे मिले कहीं पर भी नहीं मिलना चाहता हूँ, कौन है? अफसाना खान। दो रीजन है, मैंने एक सेकंड भी नहीं लिया बोलने के लिए क्योंकि मैं दिल में जो है वो बोल देता हूँ। दिल की बहुत अच्छी है, कभी कभी ऐसे पागलपन कर जाती है, लेकिन मुझे उससे थोड़ा सा दूर रहना है क्योंकि वो कुछ भी बोलती है, कभी भी किधर भी कुछ भी बोल देगी, अभी कुछ बोलेगी और उसी बात पर खड़ी नहीं रहेगी। शी डजंट हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। करण कुंद्रा क्या वाकई में एक मास्टरमाइंड है तुम्हारे अनुसार? करण कुंद्रा अगर मास्टरमाइंड होता तो मुझसे कभी नहीं डरता। VIP टास्क में करण कुंद्रा ने बाहर अंदर जाकर ये बोला है जो मैंने अभी देखा है कि विशाल कोटियन को प्लीज अंदर ले लो, अगर बाहर रहेगा तो वो उसके पास दिमाग है, वो हम में से हर एक को बाहर निकालेगा, उसी को हमारे साइड कर लो, अब तक हमारे पास एकता है, अब दिमाग भी आ जाएगा। तो मास्टरमाइंड कौन हुआ? Who is the top contestant of Big Boss 15 according to you? उमर रियाज, बिकॉज उमर रियाज इज लाइक मी। उमर रियाज का गेम और मेरा गेम बहुत सीधा है, हमने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, हमने कोई प्लानिंग नहीं की, हम जैसे सिचुएशन है वैसे खेलते हैं। जाते वक्त भी उसने मुझे गले लगाया और बोला कि भाई अपनी कहानी तो अधूरी रह गई। तो जैसे मैंने जय के साथ जय वीरू की जोड़ी बनाई थी, अगर शायद मैं अंदर होता तो उमर के साथ धर्मवीर की जोड़ी बनाता। तो उमर का गेम बहुत स्ट्रांग है, जमीन से आया है, उसकी बाहर की फैन फॉलोइंग जो है उसके भाई की है, उसकी नहीं है, पर वो दिल से खेलता है, स्ट्रेट खेलता है। मैं थोड़ा और दिमाग लगा रहा था और अंदर मैं होता तो उमर और मैं बहुत साथ में खेलते, पर इस वक्त मैं नहीं हूं तो उमर रियाज इज द फेवरेट टू विन द शो।